दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसका जिक्र होने पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह देश है या महादेश, लेकिन असल में यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो महादेश भी है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश है। इसके खूबसूरत बीचेस, घास के मैदान, आर्किटेक्चर्स इत्यादि की खूबसूरती देखकर ही किसी ने कहा है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया जैसा दूसरा कोई देश नहीं है, और ये सच भी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स जो शायद आपको भी ना पता हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। एक समय यह देश भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब यह एक आजाद देश है। हालांकि आज भी इस देश में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ लोकतंत्र होने के साथ साथ राजशाही भी है। ब्रिटिश किंग चार्ल्स तृतीय यहाँ के किंग है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े देश की जनसंख्या महज 2,64,50,000 है, यानी ऑस्ट्रेलिया हमारे देश भारत से एरिया में 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या का महज 2% ही है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ तो आप क्या कहेंगे, मेलबर्न, एडिलेड या सिडनी? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सारे जवाब गलत हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दोस्तों, भले ही ये तीनों शहर बहुत फेमस हैं, लेकिन असल में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम कैनबरा है। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन्हें नहीं पता था वो ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात करें इकोनॉमी की तो ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनल जीडीपी 1.708 ट्रिलियन डॉलर है और यह दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस देश की पर कैपिटा इनकम 64,964 डॉलर प्रति व्यक्ति है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज 20 अप्रैल 2023 तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत भारत के 55.11 रुपए के बराबर है। दोस्तों, बात करें धर्म की तो ऑस्ट्रेलिया की 43.9% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, 3.2% आबादी इस्लाम को, 2.7% लोग हिंदुइज्म को मानते हैं, जबकि 2.4% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वहीं लगभग 44% आबादी एथिस्ट है और किसी धर्म को नहीं मानती है। दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा या टीवी न्यूज में सुना होगा कि एक पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारे देश में ट्रेन में ट्रेवल करता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बनी बनाई बात नहीं बल्कि हकीकत है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर रोज लगभग 3 करोड़ लोग ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महादेश भी है। यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ हिंद महासागर है तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट रेखा 34,218 किलोमीटर लंबा है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे लंबा समुद्री तट रेखा वाला देश बनाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है और इसके राष्ट्रीय चिन्ह पर भी कंगारू और एमू की तस्वीर लगी हुई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित राष्ट्रीय पशु का भोजन के रूप में सेवन भी करता है। दोस्तों, कंगारू की बात चली है तो आज हम इस नाम के पीछे की एक बहुत ही मजेदार कहानी आपको बताते हैं। सन 1770 में ब्रिटिश यात्री सर जोसेफ बैंक्स और कैप्टन जेम्स कुक समुद्र में भटकते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक ऐसे जीव को देखा जो बहुत तेज छलांग लगाता था। जब उन्होंने वहां के लोकल लोगों से उसका नाम पूछा तो उन लोगों ने अपनी भाषा में कहा कंगारू। दोस्तों, उन लोगों की भाषा में इसका मतलब था हम नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों ब्रिटिशर्स ने समझा कि उस जीव का नाम कंगारू है और उन्होंने उसे कंगारू नाम दे दिया। तब से उसे कंगारू कहा जाने लगा। दोस्तों, भले ही यह देश कंगारुओं के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ भेड़ों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 15 करोड़ भेड़ें रहती हैं, जो इंसानों की आबादी से 5 गुना ज्यादा है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन भेड़ों से एक साल में निकले ऊन से अगर स्कार्फ बनाई जाए तो वो इतनी लंबी होगी कि उससे पूरी पृथ्वी को 100 बार लपेटा जा सकता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 समुद्री बीच हैं
इसका मतलब है कि यदि आप वहाँ रोज एक बीच पर जाते हैं तो भी ऑस्ट्रेलिया के सारे बीचेस को घूमने में आपको 27 वर्ष लग जाएंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को पहले न्यू हॉलैंड कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सन 1606 ईस्वी में डच यात्री विलियम जॉन्स जोन ने इस देश की खोज की थी और उन्होंने ही इसे न्यू हॉलैंड नाम दिया था। बाद में ब्रिटिश यात्री मैथ्यू फ्लिंडर्स ने 1804 ईस्वी में इस महाद्वीप के लिए 13 ऑस्ट्रेलिया नाम का प्रस्ताव रखा था, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान नाम बन गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के खेल की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ हर सप्ताह किसी न किसी खेल का आयोजन होते रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ की 70% जनता भी इन खेलों में हिस्सा लेती है। दोस्तों, आपने हॉर्स रेसिंग, कैमल रेसिंग इत्यादि के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कभी कॉकरोच रेसिंग के बारे में सुना है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं सुना होगा आपने। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में हर साल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ कॉकरोच रेसिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी 1901 को ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह देश अपना नेशनल डे हर साल 26 जनवरी को मनाता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो हम आपको बताना चाहेंगे। अंग्रेजों ने 26 जनवरी 1788 को ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था और शायद यह देश आज भी अपनी गुलामी की यादों से खुद को अलग नहीं करना चाहता है। दोस्तों, जिस तरह भारत और पाकिस्तान में तनाव रहता है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी तनाव की स्थिति रहती है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच का तनाव भारत पाकिस्तान जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार लोगों की उल्टी सीधी हरकतें ऐसे तनाव को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने कुछ साल पहले ईबे पर न्यूजीलैंड को बेचने की कोशिश की थी, हालांकि बाद में ईबे ने उस व्यक्ति का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। दोस्तों, जब भी हमारे देश में चुनाव होता है तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग इसे छुट्टी का दिन मानकर घूमने निकल जाते हैं। उनकी नजर में वोट देना फालतू का काम होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। वहाँ वोट देना अनिवार्य है। अगर कोई वोट नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। पहली बार वोट नहीं देने पर $20, जबकि दूसरी बार वोट नहीं देने पर $50 तक का जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में महिलाएं वोट देने के मामले में पुरुषों से भी आगे हैं, लेकिन सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सन 1902 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला दूसरा देश बन गया था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बर्निंग माउंटेन नाम का एक पहाड़ है, जिसके नीचे कोयले की एक ऐसी खदान भी है जो पिछले 5,500 सालों से सुलग रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पहाड़ भी है जिसका नाम माउंट डिसअपॉइंटमेंट है। इसके इस नाम के पीछे एक मजेदार कहानी भी है। सन 1824 में 800 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर हैमिल्टन ह्यूम और विलियम हॉवेल ने चढ़ाई की थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस पहाड़ से उन्हें साउदर्न विक्टोरिया का पोर्ट फिलिप बे दिखाई देगा, लेकिन बड़ी संख्या में पेड़ों के होने के कारण यह संभव नहीं हो सका, जिस कारण उन दोनों ने इसका नाम माउंट डिसअपॉइंटमेंट रख दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हाईवे नंबर 1 दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है। इसकी लंबाई करीब 14,500 किलोमीटर है और यह ऑस्ट्रेलिया के सभी समुद्री किनारों से गुजरते हुए पूरे देश का चक्कर लगाता है। दोस्तों, आपके यहाँ जब बल्ब फ्यूज होता है तो आप क्या करते हैं? मार्केट जाते होंगे, नया बल्ब खरीद कर लाते होंगे और घर आकर होल्डर में लगा देते होंगे, यही करते होंगे ना? लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ऐसा करना मना है। वहाँ केवल लाइसेंस प्राप्त मिस्त्री ही बिजली का बल्ब बदल सकता है, और अगर आपने वहाँ खुद से बल्ब बदलने की कोशिश की तो आपको फाइन या सजा या दोनों हो सकता है। दोस्तों, आपके हाथ में जब कोई नया मोबाइल आता है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि उसका कैमरा चेक करने के लिए सेल्फी लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी कहाँ ली गई थी? जी हाँ, सही अनुमान लगाया आपने। दुनिया की सबसे पहली सेल्फी ऑस्ट्रेलिया में ही ली गई थी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 1.35 खरब शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई लोग प्रतिवर्ष औसतन 96 लीटर बियर गटक जाते हैं। दोस्तों, जब भी किसी एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसके फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है, ताकि एक्सीडेंट के कारणों का पता चल सके। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्लैक बॉक्स का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉरेन ने सन 1958 में किया था। ऑस्ट्रेलिया में 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है।
वहाँ ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर को फॉक्स कैपिटल भी कहा जाता है। दरअसल इस शहर में लोमड़ियों की आबादी अच्छी खासी है। यहाँ प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर औसतन 10 लोमड़ियाँ पाई जाती हैं। इनकी वजह से कई बार आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीले सांप इसी देश में पाए जाते हैं। दरअसल यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिस कारण यहाँ हल्की सर्दी और गर्मी रहती है, और ऐसा मौसम सांपों के लिए सबसे अनुकूल होता है। यह देश दुनिया के 25 सबसे जहरीले सांपों में से 20 का घर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में करीब 41 बड़ी और 4000 छोटी झीलें हैं, जिनमें से एक है लेक हिलर झील। इस झील का पानी गुलाबी रंग का है, और हैरानी इस बात की है कि आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके पानी का रंग गुलाबी क्यों है। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कैसोवरी भी इसी देश में पाया जाता है। यह शुतुरमुर्ग और एमो के बाद तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। यह इतना खतरनाक है कि इंसानों को भी मारकर खा जाता है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे खतरनाक पक्षी के तौर पर दर्ज है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान यानी कोरल रीफ है। इस रीफ में 3000 से अधिक चट्टाने हैं, जबकि 350 से अधिक प्रवाल और 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह रीफ इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि द ग्रेट बैरियर रीफ को दुनिया के 7 अजूबों में से एक घोषित किया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया खुले विचारों वाला देश है। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यहाँ न्यूड बीचेस की संख्या सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, विचारों में जरूरत से ज्यादा खुलेपन के कारण इस देश में वाइफ स्वैपिंग आम बात है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हर हफ्ते कपल्स पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली होती है। इसमें पति किसी और की पत्नी के साथ, जबकि पत्नी किसी और के पति के साथ संबंध बना सकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ देखने लायक जगहों में सिडनी का सिडनी ओपेरा हाउस, जो दुनिया में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, सिडनी हार्बर ब्रिज, न्यू साउथ वेल्स में स्थित ब्लू माउंटेन, द ग्रेट बैरियर रीफ, उलुरु काटा तजुता राष्ट्रीय उद्यान जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी अकेली खड़ी चट्टान आयर्स रॉक मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड क्वींसलैंड के पास स्थित फ्रेजर द्वीप इत्यादि के अलावा मेलबोर्न, एडिलेड और ब्रिस्बेन जैसे खूबसूरत शहरों में भी कई दर्शनीय स्थान है जहाँ टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना चाहते हैं, तो आप नई दिल्ली से सिडनी की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और ऑस्ट्रेलिया का वीजा होना जरूरी है। इसके अलावा वहां खर्च करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।